मुझे फेलियर्स ने सिखाया। अच्छा क्या थे वो? फेलियर्स ये थे वो? ये कि मैं एक बड़ा स्टूडेंट था मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया चार साल एफ में लगाए बर्डन उसका फीस है? यूनिवर्सिटीज को देगा वहाँ पे रहेगा और साथ आपको भी देगा ये तो लंबा खर्चा आपने सुना दिया इस पूरे जर्नी को फ्री ऑफ कास्ट सपोर्ट करना चाहते करियर में एक्सीलेंस सब बाई एक्सीडेंट नहीं होती उसके लिए आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है आपको वो लोग चाहिए होते हैं जो आपको बताएं कि आपने अपने करियर में क्या करना है डिग्री हासिल कर लेना वाद मकसद नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और डायलेमा ये है कि हम उनको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाते वो अपने एंड पे कोशिश करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं वहाँ पे जाते भी हैं बट end डू द एंड ऑफ they डे इफ a degree? सो so, कहीं काउंसलिंग और प्रॉपर गाइडेंस की कमी है मेरे एक दोस्त आज यहां पे मौजूद हैं जिनकी स्टोरी मैं ये चाहूंगा कि हम अपने लोगों और यंगस्टर्स तक पहुंचाएं कि दिस इज अ स्टोरी जिसे हम सक्सेस स्टोरी कहते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसको हम रिलेट कर पाते हैं अपने आप से कि आपको जब प्रॉपर गाइडेंस मिले आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए वेरी सक्सेसफुल करियर यूके में स्टूडेंट पाकिस्तान से जाते हैं लेकिन उनके साथ स्टूडेंट्स को जो वहां पर जाते हैं उनको गाइड करने के लिए और उनके करियर प्लेसमेंट के लिए एक इनिशियटिव लिया है मेरे मेहमान यूके से कामरान हनीफ आज हमारे साथ मौजूद है कामरान थैंक यू वेरी मच फॉर यूर टाइम बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करवाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैंने इंट्रोडक्शन ये इसलिए आपका बहुत अच्छा करवाया कि आप काम बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं मुझे ये बताएं कि जो हम बातचीत कर रहे थे कि हमारे बच्चे जब यहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए इंग्लैंड की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं बड़ा छोटा नंबर है जो कि अपने करियर में जाके काम करती है अपने रिलेटेड फील्ड में काम करती है मेजॉरिटी ऑफ दोस्त इट ट्रू बिल्कुल ऐसा ही है मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताना चाहता हूँ इसमें यूके के नेशनल ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हाफ ऑफ ग्रेजुएट्स जो हैं जो डिग्री मुकम्मल करते हैं द एंड जो उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक नहीं होती नहीं है और अपनी रिलेटेड तो, फील्ड में वो काम नहीं, भी नहीं कर रहे होते यूके के स्टैटिस्टिक्स हैं कि जो पूरे यूके में स्टूडेंट्स हैं और इनमें से आप अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखें जो ग्राउंड रियलिटी है जो सबको पता है कि वो वहाँ पे जाके अगर वो कोशिश करते हैं थोड़ी देर और वो अपनी फील्ड में जाब नहीं कर पाते तो वो हिम्मत हार के या तो कोई टैक्सी ड्राइव करने शुरू कर देते हैं या फिर कोई टेक अवे में जॉब आपका कामरान जी जी ये इजी ऑप्शंस जो हैं ये एट टाइम्स आपके पास फाइनेंशियल बर्डन होता है हमारे पेरेंट्स भी ये समझते हैं ना बच्चा चला गया दो साल की फीस दे दी दो साल के बाद आप इंग्लैंड में ही नीड टू बी इंडिपेंडेंट एक्चुअली बट दे मस्ट अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी फर्दर सपोर्ट की जरूरत होती है उसको ताकि अपने वो करियर में इस्टेब्लिश हो सके क्या होता है वहाँ पर लोग आप लोग डिस्करज करते हैं इनको यार नहीं है ये कर लो ये टैक्सी की जॉब है ये टेक अवेज में इसमें काम कर लो अगर आ, शायद मैं ये चीज़ मिस करता हूँ कि अगर मेरे पास एक अच्छी गाइडेंस होती तो मैं अपना दस साल का सफर शायद एक साल में तय कर लेता ठीक है कि अगर आपको ये चीज़ बताने वाला हो आपको इनकेज करने वाला हो मोटिवेट करने वाला हो कि आप बजाय इसके अगर आप टैक्सी चलाते हैं सो दो सौ पाउंड दिन में कमा लेते हैं <laughs> अगर आप अपनी फील्ड में जॉब करेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे लॉयर हैं अगर आप कानूनदान हैं यहाँ से आप लॉ में डिग्री करना चाहते हैं यूके जाके और वहाँ जाके अगर आप टैक्सी चलाते हैं तो आपको सौ डेढ़ सौ सो पाउंड पूरा दिन में कमाएंगे लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में स्टडी जारी रखते हैं स्किल डेवलप करते हैं किसी अच्छे वकील के साथ बैठते हैं उनसे सीखते हैं तो शायद आप पाँच तीन चार पाँच साल में आप सौ पाउंड एक घंटे में कमाने की कामरान जी बात को हम जरा लोगों को पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगले महीने से वो कमा के आपको भी भेजना शुरू कर देगा और खुद भी इज अ फर्दर स्ट्रगल टू दैट एक्चुअली जिसके लिए आपने मेंटली उसको तैयार करना है और ये बताना है कि प्लीज फॉर गॉड सेक ये और जॉब जो है पहले महीने से आपको अर्निंग तो दे देंगे लेकिन आपका करियर डेवलप नहीं होगा जहां पे आप शायद महीने में चार पांच हजार पाउंड कमा सकते हैं यू एंड अप अर्निंग मे बी फिफ्टीन हंड्रेड पाउंड दी इंटायर ऑफ योर लाइफ एक्चुअली ये पार्ट मिसिंग है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैं मेरी अपनी स्टोरी मैं जब यूके में गया पाँच सौ पाउंड महीने में कमाता था ठीक है जो मैं सफ़र तय करता करता पाँच दस साल में पाँच पाउंड दिन में कमा रहा हूँ राइट right. तो इस तरह के हजारों लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से भी हैं और दूसरे बैकग्राउंड से भी हैं जो दो हजार ढाई हजार पाउंड तक दिन में कमा सकते हैं और कमा रहे हैं पाँच सौ पाउंड दो हज़ार एक एक बेबी एक्सेप्शनल लिमिट है लेकिन तीन सौ चार सौ पाँच सौ पाउंड अपने प्रोफेशनल कैरियर में एक बहुत आम है बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसमें थोड़ा स्किल डेवलप करनी पड़ेगी सीखना पड़ेगा चीज़ों को सिर्फ डिग्री आपको कुछ नहीं दे सकती अच्छा कामरान आपने अभी कहा कि वो चार पाँच छः पाउंड आप महीने में कमाते थे आप इतना आप दिन में कमाते हैं मैं इससे पहले कि ये पूछूँ आपसे कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं ये टेल मी ये पाँच छः पाउंड आपने कैसे कमाने शुरू की ये ये आपकी जो स्ट्रगल आप बताते हैं कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था यू लर्न इट एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू दी वाट एव द सर्कम्स चांसिस वार्ट देयर एक्चुअली एंड देन नाउ माशाला यू आर वेल प्लेस और आप चाहते हैं कि दूसरों को हेल्प करें

6.5 बैंड आया उसमें से यूके गया रिजेक्ट हो गया पहली दफा वीज़ा रिजेक्ट हो गया वीजा रिजेक्ट हो गया दोबारा अप्लाई किया वीज़ा लग गया यूके चले गए 18 18 घंटे वहां पे मैंने लेबर जॉब की और उसने मुझे यह सिखाया कि अगर मैं लेबर जॉब की बजाय अगर मुझे ऑफिस की जॉब मिलती है तो मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ क्योंकि इस चीज की वैल्यू का एहसास मुझे ज्यादा हो गया जब मैंने लेबर जॉब की तो लेबर जब मैंने डिग्री मुकम्मल की तो रिसेशन स्टार्ट हो गया दैट वाज द ईयर 2008 का जो है ठीक है रिसेशन पूरी दुनिया में और जब 2008 का रिसेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हिम्मत हार के अपने प्रोफेशन को छोड़ा और वो दूसरी आर्ट जापों में पड़ गए लेकिन मैं लगा रहा मैंने बजाय इसके कि मैं बड़ी कंपनीज को टारगेट करता मैंने ये सर्च करना शुरू किया कि शायद जो छोटी कंपनीज हैं उनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं हैं कि वो कैंडिडेट तक पहुंच सकें क्यों ना मैं उन कंपनीज को ढूंढना शुरू कर दूं मैंने उन कंपनीज को ढूंढना शुरू किया वेबसाइट्स पे लिंकड पे उनकी वेबसाइट्स पे गया उनके एच के कॉन्टैक्ट देखे और उन्हें सीवीज ने उन, भेजना शुरू किया ठीक है तो जब सी वी उन्हें भेजना शुरू किए तो मुझे अनबिलीवेबली बड़ी वहां पे रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा लेकिन मैं अगर सौ सी वी भेजता था तो मुझे पाँच छः जवाब उसमें से आ जाते थे ठीक है आपने लोगों की जॉब जॉब प्लेसमेंट जो उसके लिए काम करना शुरू कर जी जी बिल्कुल उसके लिए मैंने इस चीज़ को इस चीज़ के एक्सपीरियंस से मुझे एक जॉब मिली तीन माह चली फिर मुझे तीन माह और लगे नई जॉब ढूंढने के लिए फिर दो, दो साल मैंने दूसरी जॉब की लेकिन ये सफ़र चलता रहा फेलियर्स आते रहे मैं सीखता रहा लेकिन दस साल के बाद मुझे इस चीज़ का ये अंदाजा हुआ कि मैं अगर एक अच्छा मैंटोर देख लेता तो शायद मेरा ये सफर दस साल का सफर दो साल में ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि जो मैंटोरशिप है वो मिसिंग थी मुझे अब बताएं कि जो अब बच्चे बाहर जाना चाहती हैं और लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ यू के यहाँ से जो हमारे कंसल्टेंट स्टूडेंट कंसल्टेंसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपका एडमिशन करवाते हैं एडमिशन करवा के अपनी फीस लेते हैं और कहते हैं खुदाफिस थैंक यू वेरी मच मैक्सिमम आपका वीज़ा फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे लेकिन ये मेंटोरशिप तो थ्रू आउट दी दी इंटायर स्टडी कोर्स जो आपका है जो टनोर है दो साल का है, या चार साल का है वो आपको कंटिन्यूसली चाहिए जो यूनिवर्सिटी से अंदर है वो शायद हमारे अपने पेक्यूलियर इन्वायरमेंट और सरकमस्टानसेज को लोग नहीं समझते इस पर क्या करने आप जा रहे हैं बिल्कुल आपने बड़ा सही फरमाया कि हम लोग एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है हमने जिसके मुताबिक आप आपको ना सिर्फ आपको यहाँ के पाकिस्तान से यूके ले जाया जाएगा बल्कि हमारे पास एक आ, जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक हम स्टूडेंट कंसल्टेंसी आपकी जो पार्ट टाइम जॉब है अकोमोडेशन है जो वहां के है। जो के हैं विद इन द लीगल फ्रेमवर्क है वो ठीक ठीक हम जो ट्वेंटी आवर्स आप जॉब कर सकते हैं वहाँ पे आठ पाउंड इक्कीस पेंस आप एक घंटे में कमा सकते हैं एक वीक में आप बीस घंटे जॉब करके वन सिक्सटी फोर पाउंड कमा सकते हैं लेकिन उस लीगल फ्रेमवर्क में रह के हम आपकी हेल्प करेंगे वहाँ जाके आपको पार्ट टाइम जॉब तलाश करने में आपको अकोमोडेशन ढूँढने में आप जब डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है आपको कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो जॉब के लिए हेल्प करें उसमें आपको मदद करेंगे जब आप डिग्री मुकम्मल करके आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑफर करेगी जो गवर्नमेंट जो है उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे जो दो साल का होगा और उस दो साल के अरसे में अगर आप प्रोफेशनल कैरियर बना लेते हैं जिसके लिए हमारी एक रिक्रूटमेंट कंपनी होगी जो आपको हेल्प करेगी जॉब फाइंड करने में हमारे जो अपने पर्सनल कनेक्शन जो हैं उनको वहाँ तक आपको बचाने में हेल्प करेगी और आपको जॉब लेके और बाद में सेटलमेंट जो है दो साल के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ यूके ने लॉन्च किया है कि इक्कीस दो जनवरी से वो पॉइंट बे सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं जिसके जरिए आप वहाँ पे सेटलमेंट ये बड़ा जबरदस्त है जो हमारे लोगों को नहीं पता कि ये अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है कि आपकी सेटलमेंट लेकिन कामरान मुझे ये बताएं ये जो पूरा प्रोसेस आप बता रहे हैं ये मुझे लगता है कि दिस इज ओवर अ स्पेन ऑफ गुड फाइव सिक्स ईयर्स कि आप बच्चा जो यहाँ से एडमिशन लेता है टिल द टाइम ऑफ द सेटलमेंट एक लंबा टर्नियोर है छः सात साल की मेन्टोरशिप जो है आप इसका मतलब ये एक तो बर्डन उसका फीस का है यूनिवर्सिटीज को देगा वहां पे रहेगा और साथ आपको भी देगा ये तो लंबा खर्चा आपने सुना दिया बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने लेकिन हम इस पूरे जर्नी को फ्री ऑफ कास्ट सपोर्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल इसे हम आ, क्योंकि ये हमारा एक मिशन है कि हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यू के जाते हैं वो बजाय इसके कि आर्ट जॉब करें हम ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ की यूके की बड़ी कंपनीज के हेड्स डायरेक्टर्स और सीईओ बन सके तो इस मिशन के लिए हम ये चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल ये भी बड़ी भी ये बड़ी ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी कंसल्टेंसी देंगे लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस वहां पे यूके के अंदर जो लोग आपके साथ काम करेंगे आ, उनकी कॉस्ट बड़ी महंगी है उनकी सर्विस चार्जेस बड़े महंगे हैं हाउ वुड यू अफोर्ड दैट एक्चुअली उसमें यह है कि हम जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं हमें यूनिवर्सिटी इतना पे कर दे कि हम उस कास्ट को बेयर कर सकें तो लिहाजा हम ये नहीं चाहते ये कंसल्टेंट सच्ची बातें नहीं बताते आई वेरी हैप्पी कि यू आर टेलिंग अस कि जहाँ पे हम जॉब प्लेसमेंट में लोग वहां पे देते हैं तो जो इंप्लायर है वो पे करता है यूनिवर्सिटी हमें पे करती है दो दो. तो इफ़ यू आर गेटिंग दैट सर्विस चार्जेस फ्रॉम दैट एंड एक्चुअली तो बच्चे से तो ना ना ले इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिस एक्चुअली आई रियली हैप्पी हैप्पी आई एम वेरी कि आप ये ये प्रैक्टिस जो है आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सो डू यू थिंक कि आने वाला टाइम जो है विद दिस काइंड ऑफ आई वुड से इट्स समथिंग वेरी इनोवेटिव लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ ग्रेट सर्विस टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी आल्सो जो इसी के हमारे बच्चे अच्छे तरीके से वहाँ पे सेटल हो सकेंगे जी बिल्कुल अगर आप आ, उन्हें एक अच्छा प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे और हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जो स्टूडेंट्स जो हमारे थ्रू सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं दे विल बिकम पार्ट ऑफ़ ए कम्युनिटी जो कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करेगी इनेबल करेगी सपोर्ट करेगी एम्पावर करेगी कि वो आगे बढ़ सकें और मुल्क का मुल्क के अंदर वैल्यू ऐड कर सकें बेनिफिट दे सकें कल को आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के किसी अच्छी डिपार्टमेंट के सी हैं डायरेक्टर हैं क्या आप अपने जो मेरिट पे लोग हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं सराउंडिंग में लोग हैं क्या आप उन्हें एक हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सिमिलरली आप इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तानी लोग वहाँ की एक बड़ी कंपनीज के सी हेड्स और डायरेक्टर्स बनते हैं तो वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को फायदा बचा रहे हैं जिसका हमें इट्स वेरी अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसली वो बहुत कुछ कर रहे हैं जिनका हमें इलम भी नहीं ठीक है कामरान मुझे एक बात बताएं हमारे यहाँ पे बेशुमार नीम हकीम मौजूद हैं एट टाइम्स इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन बता नहीं पाते फिर गलत बातें बताई जाती हैं जो राइट इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है जिस तरह अभी आपने बताया कि जो यूके गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्लेसमेंट और फिर आपकी सेटलमेंट के अभी पॉइंट्स जो हैं उसके उसके हवाले से दिस गोइंग टू बी अ अव प्रोग्रेम कमिंग आप ब्रेक्सिट के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बड़ी जबरदस्त जनरेट होना शुरू हो गई हैं डॉक्टर्स हैं नर्सिस हैं पैरामेडिकल हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है जहां पे पाकिस्तानी इजीली जाके सेटल हो सकते हैं हैव यू प्लैंड एनी अवेयरनेस कैंपेन कंटिन्यूस अवेयरनेस कैंपेन जो कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी को हम बता सकें जहाँ पे हमें जॉब्स की जरूरत है कि प्लीज़ दिस इज द इजी वे फॉरवर्ड टू सेटल डाउन इन यू एक्चुअली मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया इसको मैं बताता चलूँ कि हर सिचुएशन जो होती है लाइफ में वो एक जो चेंज होती है इट ब्रिंग्स थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ब्रैगज़िट एक ऐसी चेंज है यूके के लिए जो थ्रेट्स भी है अपॉर्चुनिटीज भी है और अगर आप ये देखें कि यूके यूरोप से बाहर निकल रहा है लेकिन उन्हें रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं यूरोप से बाहर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तो यूके गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्टूडेंट से 2030 तक जनरेट करने जा रहे हैं यूके एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में एजुकेशन एक्सपोर्ट करता है वो वो खा एक एजुकेशन की सूरत में हो या वो कंसल्टेंसी की सूरत सूरत में में हो हो या कंसल्टेंसी तो यूके नॉलेज एक्सपोर्टर है उनका सबसे बड़ी इंडस्ट्री नॉलेज है तो अभी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन रूल्स जो हैं जो नॉन यूरोपियन के लिए हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स किए हैं उसके लिए अप्रैल 2020 नेक्स्ट मंथ से वो इस चीज़ को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को ओपन करने जा रहे हैं जो 2011 में उन्होंने क्लोज़ किया था 2011 में 2010 में 10,000 पाकिस्तानी यूके गया ठीक है जो नंबर ड्रॉप होता हुआ तीन चार हज़ार तक पहुंच गया एज ऑफ लास्ट ईयर तो अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी यूके जाएंगे ड्यू टू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और उसमें पोस्ट स्टडी ना सिर्फ उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ओपन किया है बल्कि 2021 जनवरी से वो पॉइंट बेस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक दफ़ा फिर जो टीअर वन जनरल वीजा किसी ज़माने में होता था उसी तरह की एक स्कीम जैसे ऑस्ट्रेलिया में है जी। न्यूजीलैंड में है कैनेडा में है ये री इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर से लिहाजा जो स्टूडेंट्स आज यूके जाना चाहते हैं उनके लिए वहाँ पे सेटलमेंट बहुत आसान है और क्योंकि ब्रेगजिट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा बहुत सारा पैसा जो यूके यूरोप को देता था वो अभी यूके में रहेगा जिससे ला आदात नई अपॉर्चुनिटीज होगी सूँ ज्यादा पैसिया की जरूरत है साढ़े को भी आएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच हाँ बहुत शुक्रिया लिए really शुक्रिया बहुत बहुत, uh, बहुत, uh, बहुत, uh, बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ा जबरदस्त है और आज यहाँ पे कामरान को बुलाने का मकसद ये था कि प्लीज रिफर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू द दैनम कंसल्टेंट्स एंड ही इज द वन जो प्रो बेसिस पे आपको ये तमाम मशवरे दे रहे हैं आपके लिए यूके में बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं ये जो आने वाला टाइम है इफ यू आर अ स्टूडेंट इफ यू आर अ प्रोफेशनल आपको दोनों कैपेसिटी में वहां पे बहुत जबरदस्त करियर और फ्यूचर है टॉक टू हिम राइट टू हिम इनको यहां पे मैसेज छोड़े इनके अपने प्राइवेट जो न, इनका फेसबुक पेज है या इवन नंबर भी हम डिस्प्ले करते हैं एंड आई होप के इट इज गोइंग टू लीड वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल दोस्ट हुर सीकिंग फ्यूचर इन यूके थैंक यू वेरी मच thank <music> you